बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्क्रिप्शन इज प्रेशर इन लिक्विड्स। सो प्रेशर इन लिक्विड्स की अगर हम पहले बात करें, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अबव जाएंगे, जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड पर जाएंगे, हम पर लगने वाला जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आल्टीट्यूड पर जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से एक्सपेंड होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो है वो लो डाउन होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में काम जरा उल्टा है कि जैसे जैसे लिक्विड की हम डेप्थ में जाएंगे, हाइट में जाएंगे, ठीक है, लिक्विड की डेप्थ में, तो वैसे वैसे हमारे पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। यही एक मेन रीजन है कि डेप्थ में जो है वो स्विमिंग करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। जैसे जैसे पानी के नीचे जाते जाएंगे, वहां पर स्विमिंग करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लगने वाला जो लिक्विड प्रेशर है दैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। और हम जब हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि 30 किलोमीटर पर जाकर जो है वो 1000 पास्कल जो है वो प्रेशर हमारे पास सिर्फ रहेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, तो पानी में सिर्फ 1 या 2 मीटर ही जब हम डेप्थ में जाते हैं, तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका होता है। उसकी रीजन ये है कि वाटर जो है वो एयर की निस्बत बहुत ज्यादा जो है वो डेंस है, तकरीबन 775 times मोर हैवियर, मोर डेंस देन द एयर। तो यही रीजन है कि जब हम पानी में डाइव करते हैं, तो पानी का जो प्रेशर है वो सडनली हमारे पर बहुत ज्यादा जो है वो अप्लाई करता है, और स्विमिंग जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि लिक्विड में प्रेशर जो है कहां से आता है, एक तो मैंने रीजन आपको बता दी कि लिक्विड का अपना प्रेशर, इसके अलावा भी एक और प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी पर, और वो जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस दैट व्हेनेवर वी डाइव इनटू द लिक्विड, 2 types ऑफ प्रेशर्स आर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी। वन ऑफ देम इज द प्रेशर ऑफ द वाटर इटसेल्फ, एंड द सेकंड वन इज द प्रेशर बाय द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो भी हमारे पे लग रहा है, और जो लिक्विड का प्रेशर है वो भी हमारे पे लग रहा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रेशर जो है वो फील होगा। सो इट मींस लिक्विड में जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी कि जब किसी भी बॉडी को लिक्विड में डाइव किया जाएगा, इमर्स किया जाएगा या डिप किया जाएगा, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वेरी करने से वो प्रेशर भी वेरी होता जाएगा, इंक्रीज करने से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज या फिर डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो चलिए जी, कुछ इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। तो सिंपल, इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसके अंदर जो है लेट्स सपोज उसको हाफ या फिर उससे भी ज्यादा जो है वो वाटर के साथ फिल कर लेते हैं, उसके अंदर जो है एक सॉलिड सिलेंडर को जो है वो डिप किया जाएगा, उसको जो है उसके अंदर इमर्स किया जाएगा, और जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए, और जब उसको अंदर वाटर के अंदर इमर्स किया गया है तो उसकी जो हाइट है या उसकी जो डेप्थ है उसको यहां पर डिनोट किया जा रहा है स्मॉल एच के साथ। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी का बेसिक हमने फार्मूला पढ़ा था मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की हमने इक्वेशन लास्ट टाइम डिराइव की थी या फाइंड आउट की थी कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, विच इज रिटन हियर। तो मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, अब अगर हम बात करें डेंसिटी के केस में मास की, सो मास जो है स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम चैप्टर 3 में जो है आप लोग बड़ी डिटेल के साथ इसको जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो याद रखें वॉल्यूम जो है इट इज अ 3D क्वांटिटी। 3D मींस 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, जबकि जो एरिया है
एरिया जो है दैट इज टू डायमेंशनल क्वांटिटी. ओके, सो एरिया को पहले अगर हम डिफाइन करें, एरिया को लिखा जा सकता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. जबकि जो वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज अ थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी, सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो वॉल्यूम कैन आल्सो बी रिटन एज लेंथ और विड्थ की जगह हम एरिया को रिप्लेस कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे पास बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि यहां पे लिखा गया है. ठीक है, मैथ्स की क्या इक्वेशन थी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय एच, जबकि जो डेंसिटी है ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसको डिनोट किया जाता है रो के साथ, और ये आप सिंबल यहां पे इसका देख सकते हैं कि स्मॉल पी और पी की थोड़ी सी बस टांग है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ फोल्ड कर देनी है. सो ये इक्वेशन हमारे पास बनी एम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय रो, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मीन्स वो जो कंटेनर लिया जिसमें हमने लिक्विड फिल किया या वाटर फिल किया, जो भी लिक्विड है उसकी बेसिकली ये डेंसिटी. और ये भी याद रखें कि डेंसिटी जो है वो हर लिक्विड की कांस्टेंट होती है, बट लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती रहेगी. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर की डेंसिटी है आई थिंक 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक. ठीक है, आइस की होती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक. ठीक है, तो ये वेरी करती रहेगी मटीरियल टू मटीरियल. ओके जी, उसके बाद अगर हम अब डिस्कस करें प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला था, चूंकि हम निकालना ही प्रेशर चाह रहे हैं तो प्रेशर का हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब इसमें से डिराइव करने की कोशिश करते हैं फोर्स को, एंड यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जो कि चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था. अब मैथ्स की बात करें तो अभी हमने प्रीवियसली मैथ्स की एक इक्वेशन डिराइव की थी, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एंड फोर्स इज आल्सो इज इक्वल टू एम जी, सो इट मींस दैट वी कैन राइट इट एज फोर्स इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी, स्मॉल जी मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब इस फोर्स की वैल्यू को अगर हम प्रेशर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, मींस पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए में, सो फोर्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड होल डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया से एरिया वाला फैक्टर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रीअरेंज करके जो कुछ बचेगा वो ये होगा, प्रेशर पी इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और अगर इसको रिकम्बाइन करके लिखें, रीअरेंज करके लिखें, सो इट कैन बी रिटन एज प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी या रो जी एच, कुछ भी जैसे मर्जी रीअरेंज कर लें, आंसर सेम ही आएगा. फिर रो, रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी उस कंटेनर में उस बीकर में हम लिक्विड यूज करेंगे. एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, के उसकी सरफेस से लिक्विड की सरफेस से उसकी बॉटम तक का जो वो हाइट होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज द स्मॉल एच. जबकि जी क्या है, जी इज द ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो इन तीन फैक्टर्स पे जो है स्टूडेंट्स डिपेंड कर रहा है. व्हाट आर दोस थ्री फैक्टर्स, एज यू कैन सी दैट दोज आर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट और द डिस्टेंस of that cylinder of that body from the top of the liquid from, to the bottom of the cylinder, and the third one is the gravity or the gravitational acceleration. अब इन तीनों factors में से अगर कोई एक factor भी अब increase या decrease करेंगे तो उसी हिसाब से pressure भी जो है वो increase या फिर decrease होगा. लेकिन अगर मजीद इसको हम elaborate करें, so आपको पता है कि मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेंसिटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी, सो इट मींस दैट यहां पर उस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और उसकी जो हाइट है वो हम अगर वेरी करते रहें तो प्रेशर जो है वो भी वेरी होगा. अच्छा जी, डेंसिटी भी कांस्टेंट है हमारे पास इस फार्मूले में, जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो मेनली एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, एंड दैट इज द हाइट दैट इज द डेप्थ. तो जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे वाटर में, वैसे वैसे हमारी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है
वो भी इंक्रीज होता जाएगा. इट मींस दैट इन द केस ऑफ द लिक्विड्स द प्रेशर इज डिपेंडिंग मेनली ऑन वन फैक्टर एंड दैट इज इट्स डेप्थ, दैट इज द हाइट ऑफ दैट बॉडी. जैसे जैसे डीप में जाएंगे हमारे पर हमारी बॉडी पर लगने वाला प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड्स. ओके स्टूडेंट्स क्लियर. ओके अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो अभी जैसे कि हमने बात की है लिक्विड, तो अब लिक्विड से रिलेटेड जो है एक लॉ दिया गया है आपके सिलेबस में, उसको पढ़ते हैं. दैट इज अबाउट पास्कल्स लॉ. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिक्विड में जो प्रेशर हमारे पर एग्जर्ट हो रहा होगा दैट इज मेनली ड्यू टू टू फैक्टर्स, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक लिक्विड का इटसेल्फ अपना जो प्रेशर होगा. और याद रखें जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों डायरेक्शन में इन ऑल द डायरेक्शंस जो है वो अप्लाई होता था, इसी तरीके से लिक्विड में भी जो प्रेशर है वो भी तमाम डायरेक्शंस में इक्वली जो है वो अप्लाई होगा. सो इसी को मजीद जो है पास्कल लॉ ने स्टेट किया था. ठीक है मिस्टर ये क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे मिस्टर पास्कल, उन्होंने जो है ये बेसिकली लॉ, और भी इन्होंने इससे रिलेटेड काफी लॉ दिए हैं लेकिन ये सबसे वेल नोन पास्कल लॉ है. और अगर आपने एट्थ की साइंस पढ़ी है तो एट्थ की साइंस में भी जो है ये पास्कल लॉ जो है वो दिया गया है और उसकी जो एप्लीकेशन जहां जो आज हमने पढ़नी है ये भी एट्थ की साइंस में जो है वो दी गई थी, जस्ट उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको मजीद इंक्रीज कर दिया गया है. इससे पहले कि हम पास्कल लॉ की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें, छोटी सी एक एक्टिविटी है पास्कल लॉ से रिलेटेड. कि लेट्स सपोज एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है या लेट्स सपोज प्लास्टिक की ही एक हमारे पास बॉटल है या कुछ भी, ये घर में भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं. एक प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें आपने डिफरेंट लोकेशंस पे जो है दो या तीन या चार जो है वो होल कर दिए सेम साइज के. अब जब उसमें होल किए हैं तो उसमें आप लिक्विड फिल करें और जब हम उसके ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे प्लास्टिक बॉटल के ऊपर या जो भी कॉनिकल फ्लास्क है, जब उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो सेम प्रेशर के साथ तमाम होल में से जो है वो लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होगा. इसका मतलब है कि जब किसी भी बर्तन में किसी भी पॉट में किसी भी कंटेनर में लिक्विड को पोर आउट किया जाता है, लिक्विड को फिल किया जाता है और जब हम उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो प्रेशर जो है इक्वली तमाम डायरेक्शंस में ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रेशर. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल लॉ. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल लॉ, whenever the pressure is applied in an enclosed liquid in a container, the pressure is transmitted to all the parts of the liquid without any loss. बगैर किसी loss के वो pressure जो है liquid के तमाम particles पर, liquid के तमाम parts पर जो है वो equally transfer होगा और उस pressure में loss भी नहीं आएगा. So this is the simple statement of the Pascal's law. अब students अगर हम बात करें इसके कुछ एप्लीकेशंस की, तो बे इंतहा एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम है. लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो एप्लीकेशंस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट की गई हैं, उसमें से एक है हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेस या फिर दूसरी है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम. अब सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम बात करें हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम की या हाइड्रोलिक प्रेस या फिर सिंपल हाइड्रोलिक मशीन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम छोटा सा दिखाया गया है. इसमें दो पिस्टन आपको नजर आ रहे होंगे, एक जो है वो आपके पास स्मॉलर पिस्टन है, एक जो है वो लार्जर पिस्टन है. तो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर जब हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो वो फोर्स उस लिक्विड में से होती हुई पिस्टन टू जो है उस पर भी अप्लाई होगी और जितना प्रेशर हमने पिस्टन वन पर प्रोवाइड किया था उतना ही प्रेशर जो है वो सेम बगैर किसी लॉस के पिस्टन टू पर जो है वो एक्ट करेगा एग्जर्ट होगा. इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप कभी अपनी व्हीकल वगैरह को वॉश करवाने गए हो या मैकेनिक के पास वर्कशॉप पे लेके गए हो तो आपने देखा होगा कि वो एक स्लैब होती है, उसके ऊपर जो है वो गाड़ी को खड़ा करते हैं और उधर से वो मैकेनिक जो है वो एक बटन प्रेस करता है और वो गाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है. सो वो जो अब वहां पर जो फिनोमिना हो रहा है वहां पे जो प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है दैट इज बेसिकली द पास्कल लॉ.
कैसे कि वो जो पिस्टन है वो वहां से वो पिस्टन का बटन प्रेस करते हैं, उन पिस्टन में उन सिलेंडर में जो है वो लिक्विड यूज कर रहे होते हैं, फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं। हाँ, एक और चीज, पास्कल लॉ जो है ये फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए, बट मोस्टली इसको लिक्विड के लिए ज्यादातर डिस्कस किया जाता है या इसकी जो एप्लीकेशन है उनमें ज्यादातर लिक्विड। अब वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड ऑयल भी हो सकता है, बट मोस्टली ऑयल यूज किया जाता है, वाटर वाला भी यूज किया जा सकता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो मैकेनिक जो है उस पिस्टन को प्रेस करेगा, उसका बटन जो है वो प्रेस करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी जिसकी वजह से वो ऐसे प्रेस होगा, उस प्रेस होने की वजह से, उस प्रेसिंग फोर्स की वजह से वो एक प्रेशर जो है उस लिक्विड पर एक्सर्ट होगा जो उस पिस्टन के अंदर यूज कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट होगा, वो लिक्विड जो है उस पिस्टन के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो पिस्टन जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जाने उठना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर पड़ा हुआ जो मैस है, जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो गाड़ी रखी हुई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस और द हाइड्रोलिक जैक सिस्टम। चलें जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे शो करवाई गई है। दो पिस्टन है, एक के ऊपर हमने एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। पिस्टन वन पर जब फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन टू जो है वो अपलिफ्ट होगा, जिसकी वजह से वो वेट ऑब्जेक्ट जो है वो भी ऊपर की जाने उठना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ मैथमेटिक्स या इसकी वर्किंग की। सो अगर हम बात करें आपके सिलेबस में, तो यहां पर जो एक आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम दिखाया गया है, इसमें दो पिस्टन है, जो स्मॉलर पिस्टन है दैट हैज द एरिया ऑफ स्मॉल ए, और जो लार्जर पिस्टन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे अपलिफ्ट करने के लिए, दैट हैज द एरिया ऑफ द कैपिटल ए। फिर स्मॉलर पिस्टन वाले, स्मॉलर एरिया वाले पिस्टन के ऊपर जो हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे दैट इज एफ वन, और जो लार्जर एरिया वाला पिस्टन है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे दैट इज एफ टू। देन अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ने क्या कहा था कि स्मॉलर एरिया पर जो स्मॉलर एरिया वाले पिस्टन पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा और जो लार्ज एरिया वाले पिस्टन पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है, इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल द पार्ट्स। मतलब यहां पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे लार्जर एरिया पर भी जो है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो इट मींस दैट वी कैन राइट एज पी वन इज इक्वल टू पी टू, मींस प्रेशर ऑन पिस्टन वन एंड प्रेशर ऑन द पिस्टन टू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। देन एज यू नो दैट प्रेशर हैज द फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हम बात करें स्मॉलर एरिया की, स्मॉलर पिस्टन की, तो उसका प्रेशर का फार्मूला बनेगा एफ वन ओवर स्मॉल ए, एंड दैट इज इक्वल टू एफ टू ओवर कैपिटल ए। क्यों कैपिटल ए? क्योंकि जो पिस्टन टू है उसका एरिया जो है दैट इज लार्जर देन द पिस्टन वन। अब बेसिकली हमारा पर्पस क्या है इस हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम से, हम फाइंड करना चाहते हैं कि एफ वन पर हम कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे और एफ टू के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स जो है एम्पलीफाई होकर जो है उसके ऊपर लगे, क्या एम्पलीफाई होगी भी या नहीं। सो इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फोर्स टू विच इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन टू ऑफ द लार्जर एरिया कैपिटल ए। ओके, सो अब चूंकि हमने एफ टू फाइंड करना है तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन बनी एफ वन ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू एफ टू ओवर कैपिटल ए। अब चूंकि हमने एफ टू फाइंड करना है तो जो कैपिटल ए डिवाइड हो रहा है एफ टू के नीचे एज अ डिनोमिनेटर, उसको जो है हम दूसरी साइड पर शफल कर देंगे, इक्वल की दूसरी साइड पर भेज देंगे। तो जैसे ही इक्वल की वो दूसरी साइड पर जाएगा तो वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास कुछ यू फॉर्म बनेगी एफ टू इज इक्वल टू कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय एफ वन ओवर स्मॉल ए। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एफ वन को मैं सेपरेट लिख देता हूं और जो कैपिटल ए है उसको जो है वो एरिया के ऊपर एज ए न्यूमिरेटर में। सो ये अब हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट कुछ बनेगा एफ टू इज इक्वल टू फोर्स वन एफ वन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, वेयर एफ वन इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन वन, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन ऑफ द पिस्टन टू, वाइल द स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, पिस्टन नंबर वन। So, अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए की, सो चूंकि कैपिटल ए जो है दैट इज लार्जर ग्रेटर और स्मॉल ए जो है दैट इज स्मॉलर, तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि जब कभी भी लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में डिवाइड किया जाता है तो क्या आंसर जो है वो वन से लेस होगा या वन से ग्रेटर होगा या फिर वन होगा। जी स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर कि जब कभी भी ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी पे डिवाइड किया जाता है सो आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन।
सो यहां पर जो हमारे पास ये फैक्टर है जो सर्कल किया हुआ है कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन. अब चूंकि ये फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन वन है सो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वन जो है इसको भी जब हम किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ टू के इक्वल होगी, या फिर इन शॉर्ट इसको चले यू भी हम कह सकते हैं कि फोर्स एफ टू जो है दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन द फोर्स एफ वन, कि पिस्टन टू के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एम्पलीफाइड फॉर्म में लगेगी. क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर पिस्टन था उसका जो एरिया है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज स्मॉलर, जबकि जो पिस्टन टू है उसका वो जो एरिया है उसकी विड्थ जो है वो हमने इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से अगर हमने लेट्स सपोज अगर हमने पिस्टन वन के ऊपर 200 न्यूटन या 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो जो पिस्टन टू है उसके ऊपर तकरीबन 2000 न्यूटन फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगी, यानी कि एम्पलीफाई होकर जो है उसके ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट होगी. सो दिस इज द पास्कल लॉ, फिर से सुन ले क्या इसका फाइनल रिलेशन आया, F2 is equal to F1 multiplied by capital A over small a, where F1 is the force exerted on the piston 1, capital A is the area of the piston 2, small a is the area of the piston 1, and F2 is the force which is exerted on the piston number 2, on which जिसके ऊपर जो है हमने वो ऑब्जेक्ट रखा है जिसको अपलिफ्ट करना है, जिसको अपवर्ड जो है वो हमने मूव करवाना है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ. उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम बात करें सेकंड एप्लीकेशन की, सो दैट इज द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और सिंपली ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, इन बसेस और इन कार्स. तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो गाड़ियों की या बड़ी बड़ी बसों की या ट्रक की जो ब्रेक्स होती हैं दैट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ. अक्सर में भी आपने देखा हो कि यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस की बसेस होती हैं उनके ऊपर उन्होंने बड़ा सा उर्दू में लिखा होता है कि फासला रखें, आगे डैश डाल के उन्होंने लिखा होता है प्रेशर ब्रेक्स. प्रेशर ब्रेक्स मतलब वो यही है कि जैसे ही वो ब्रेक का पेडल जो है वो प्रेस करेंगे गाड़ी फौरन जो है वो वहीं पर आपकी रुक जाएगी. नॉर्मली तो ये होता है कि जब गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं वो थोड़ी सी एक दो सेकंड के लिए पहले मूव करती है, फिर फ्रिक्शन उस पर प्रोवाइड होगी तो फिर उसके व्हील जो है वो रुकेंगे. लेकिन ये जो प्रेशर ब्रेक्स हैं, जब इसके ऊपर जैसे ही पेडल पर फोर्स लगाएंगे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे फौरन जो है वो गाड़ी वो व्हीकल जो है वहीं पर रुक जाएगी, और अगर खुदा ना खासा उसके एग्जैक्ट बिल्कुल पीछे जो है अगर कोई गाड़ी होगी तो वो दोनों कलैप्स कर जाएंगी. इसलिए उन्होंने स्पेशल मेंशन किया होता है फासला रखें, आगे डैश डाल के लिखा होता है प्रेशर ब्रेक्स. तो वो जो प्रेशर ब्रेक्स हैं दोज आर द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि वो वर्क कर रही होती हैं बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ. अब किस तरीके से वो वर्कआउट करती हैं, तो उनका जो स्टूडेंट्स ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें भी हम कोई ना कोई लिक्विड यूज कर रहे होते हैं, और मैंने बताया वो लिक्विड वाटर भी यूज कर सकते हैं ऑयल भी, बट मोस्टली मैंने कहा ऑयल यूज किया जा रहा होता है बिकॉज ऑयल इज मोर डेंसर देन द वाटर, तो जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो जल्दी ट्रांसफर होगा और जल्दी ब्रेक्स जो है वो उसकी अप्लाई होंगी और वो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी. अच्छा जी, तो ये देखें जी डायग्राम, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम. ठीक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के आप डायग्राम देख सकते हैं, फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील, दो व्हील नजर आ रहे हैं आगे वाला और पीछे वाला पहिया. ठीक है, फिर इसमें जो एक और मेन चीज वो होता है मास्टर सिलेंडर. ठीक है, अच्छा जी, फिर उसमें आपको वो जो सिलेंडर्स हैं उनमें लिक्विड भी नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का. ठीक है, तो ब्लू जो है यहाँ पर लिक्विड को शो कर रहा है. तो जैसे ही हम ब्रेक के पेडल के ऊपर जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे पांव के साथ या हाथ के साथ किसी भी चीज के साथ, तो जैसे ही वो हम उसके ऊपर ब्रेक के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर या वो फोर्स जो है वो उस लिक्विड में से होती हुई मास्टर सिलेंडर तक पहुंचेगी. मास्टर सिलेंडर जो है उनको पुश करेगा, उस पुशिंग फोर्स की वजह से वो लिक्विड जो है आप देख रहे हैं कि व्हील के साथ लगे हुए पिस्टन या जो ब्रेक शूज हैं उनके साथ अटैच हैं. तो जैसे ही वो मास्टर सिलेंडर उस लिक्विड को प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर जो है उन ब्रेकिंग पैड्स या जो व्हील के साथ जो पिस्टन लगे हुए हैं उन पर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जो ब्रेक पैड है वो व्हील के साथ कनेक्शन में आ जाएंगे, व्हील के साथ अटैच होंगे, और जैसे ही वो ब्रेकिंग पैड जो है वो व्हील के साथ अटैच होंगे वो व्हील को जाम कर देंगे, व्हील को जो है वो रोक देंगे और वहीं पर जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी. सो दिस इज हाउ द ब्रेकिंग सिस्टम इन द व्हीकल्स वर्क्स. फिर से सुन लें कि ब्रेकिंग सिस्टम में हम लिक्विड यूज कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे ही हम ब्रेक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स डायरेक्टली एग्जर्ट होगी मास्टर सिलेंडर पे, मास्टर सिलेंडर को डिफरेंट पिस्टन के साथ जो है वो अटैच किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड, तो जैसे ही वो मास्टर सिलेंडर के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो मास्टर सिलेंडर सारे का सारी फोर्स या प्रेशर जो है उस लिक्विड पे एग्जर्ट करेगा, वो लिक्विड जो है वो व्हील के साथ लगे हुए ब्रेक शूज या पिस्टन के साथ अटैच हैं, जैसे ही वो लिक्विड पर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा उन ब्रेक शूज या पिस्टन पर, जिसकी वजह से वो पिस्टन जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे और व्हील को जो है वो जैम कर देंगे और जो आपकी गाड़ी है जो व्हीकल है ये जो व्हील्स हैं वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर टू एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ जो कि आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर इन द लिक्विड्स एंड द प्रिंसिपल रिलेटेड विद द प्रेशर इन द लिक्विड्स दैट इज पास्कल्स लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।